गुड मॉर्निंग बच्चों, नव भारती टीटी कॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर, दोनों में क्या फर्क है। आज हमारे देश में विशिष्ट शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाकर समावेशी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है वो देखते हैं बच्चों। विशिष्ट शिक्षा क्या है, मैंने आपको बताया था विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, और इधर समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन विशिष्ट बालकों को। अब विशिष्ट बालक कौन कौन से हो सकते हैं, दृष्टिबाधित, मैंने बताया था चार तरह की, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक। इन चार दृष्टिकोणों से सामान्य बालकों से निम्नतम दृष्टिकोण निम्न रहने वाले बच्चों को स्पेशल बच्चे कहते हैं। जब इन स्पेशल बच्चों को या इन विकलांग बच्चों को अलग से शिक्षा प्रदान की जाए उसे ही हम विशिष्ट शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हर प्रकार का बालक एक ही प्रकार की शिक्षा ग्रहण करे, एक ही विद्यालय में अगर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। मानते हैं कि समावेशी शिक्षा छात्रों की में विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता को मानता है, लेकिन अगर हम बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर उनको समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो देखो, विशिष्ट शिक्षा स्पेशल बच्चों को अलग से शिक्षा देती है, जबकि समावेशी शिक्षा कहती है कि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होते हुए भी उनको उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार एक ही विद्यालय, एक ही प्रकार की शिक्षा अवेलेबल हो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा को 2009 में रामसा के कार्यक्रमों के तहत माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के लिए इस समावेशी शिक्षा को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था। जबकि विशिष्ट शिक्षा की बात करें बच्चों, तो विशिष्ट शिक्षा 19वीं शताब्दी की देन है। अमेरिका और फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने इस पर बहुत अधिक जोर दिया और भारत में भी विशिष्ट शिक्षा के लिए 1885 में बंबई में एक विद्यालय खोला गया, उसके बाद 1887 में विद्यालय खोला गया। तो हमारे देश में भी विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा की प्रावधान किया गया, आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या फर्क है। पहला फर्क देखिए, यह शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। विशिष्ट शिक्षा का मानना है कि सामान्य बालक विशिष्ट बालक से अलग होता है। सामान्य बालक के लिए अलग से पाठ्यक्रम होगा, अलग से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा, अलग से शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा और जो अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं उनको अलग से शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि विशिष्ट शिक्षा में जो पढ़ने वाले बच्चों हैं उनको अलग तकनीकी विधियों का उपयोग किया जाएगा, अलग से शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा बच्चों। तो क्या देखा कि यह शिक्षा विशिष्ट और सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। दिव्यांग बालक के लिए अलग से शिक्षा दी जाएगी, उनके लिए दिव्यांग विद्यालय, उनको एक अलग से विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और नेत्रहीन जो है उनको अलग से विद्यालय होंगे, उनको अलग से शिक्षा दी जाएगी। सामान्य बालकों के लिए अलग से स्कूल होंगे, विशेष बालकों के लिए अलग से स्कूल होंगे और उनको पढ़ाने वाले टीचर भी यहाँ जो पढ़ाएगा उसे विशेष अध्यापक कहा जाएगा। जबकि सामान्य
विद्यालयों में पढ़ाने वाला अध्यापक सामान्य अध्यापक की श्रेणी में आता है। तो पहला फर्क यही है कि विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, कोई बच्चा स्वरहीन है तो उसके स्वर यंत्र उपकरण लगा करके पढ़ाया जाएगा, उसको पारदर्शक या प्रत्यक्षीकरण करवाया जाएगा। तो कई ऐसे उनके लिए अलग से चिकित्सकीय परामर्श होगा, मेडिकल जांच होगी। जबकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर आता है समावेशी शिक्षा, एक साथ शिक्षा प्रदान करती। देखो बच्चों, ये मानती है कि व्यक्ति भिन्नता होती है, लेकिन ये कहता है कि अगर स्पेशल बच्चों को, कौन से बच्चों को, स्पेशल बच्चों को अलग से सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए इन्हीं विद्यालयों में, तो उनको क्या दी जा सकती है, एक साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। समावेशी शिक्षा कहती है कि स्पेशल बच्चों को अलग से सुविधाएं और तकनीकी विधियों के माध्यम से उपयुक्त वातावरण प्रदान करके एक साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। विशेष बालकों को सामान्य बालकों के साथ समावेशन की प्रक्रिया ही समावेशी शिक्षा के नाम से जानी जाती है। फिर आता है भेदभाव के सिद्धांत पर कार्य। आप जानते हो यह भेदभाव, ये मानती है कि दिव्यांग बच्चा अलग है, नेत्रहीन बच्चा अलग है, शारीरिक रूप से विकलांग बालक अलग है, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा अलग है, बहुआयामी विकलांगता वाला बच्चा अलग है, और सामान्य बालक अलग है, प्रतिभाशाली बालक अलग है, मंद बुद्धि बालक अलग है। तो उसके आधार पर ही उसको एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो ये सिद्धांत भेदभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है अधिक महंगी व खर्ची। अब जानते हो नेत्रहीनों के लिए अलग से विद्यालय होगा, नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, दिव्यांग बालकों को पढ़ाने के लिए अलग से विद्यालय होंगे, अलग से तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बहुत अधिक खर्चा और महंगा पड़ता है, इसलिए विशिष्ट शिक्षा महंगी है। विशिष्ट शिक्षा क्या है, महंगी और खर्चीली है, जबकि समावेशी शिक्षा उसकी तुलना में कम खर्चीली होती है, क्योंकि सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर देखो, ये मैंने बताया था भेदभाव के सिद्धांत पर है और ये समानता के सिद्धांत। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे भारतीय संविधान में 21A में कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो हमारा जब संवैधानिक प्रावधान समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वैसे ही समावेशी शिक्षा भी कहती है कि चाहे व्यक्ति में सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत भिन्नता या कमी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही शिक्षा, एक ही प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये कौन कहता है, समावेशी शिक्षा कहती है। फिर आता है बच्चों, विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। आपको पता है समावेशी शिक्षा में उन बच्चों को, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं, भाषाई अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनको अलग से टेक्निक प्रविधियों के माध्यम से पढ़ा करके उनको सामान्य बालकों के लेवल पर लाने का प्रयास किया जाता है। मतलब विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के समान करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों से अलग करती है, उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम है, अलग से शिक्षण विधियां हैं, तो अलग से सारी चीजें होने के कारण यह विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालक और सामान्य बालक को अलग करती है। विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग करती है, जबकि ये सभी बालकों को क्या रखती है, समान रखती है। कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। फिर आता है पूर्ण दिव्यांग। पूर्ण दिव्यांग जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे बालक जो होते हैं बच्चों, वो पूर्ण दिव्यांग, पूर्ण विकलांग, पूर्ण नेत्रहीन,
कहलाते हैं। जो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता वो पूर्ण दिव्यांग होता है, जो पूर्णतः बहरा होता है, जन्मजात गूंगा होता है, जन्मजात बहरा होता है, उन बच्चों को अलग से विशेष विद्यालयों में पढ़ाना लाजमी होता है, क्योंकि उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। जबकि जो आंशिक रूप से विकलांग है, धीमी गति से सीखने वाले हैं, भाषाई अक्षमता वाले जो बच्चे हैं, शारीरिक रूप से आंशिक रूप से विकलांग है, ऐसे बच्चों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। जबकि जो पूर्ण रूप से विकलांग है, पूर्ण रूप से दिव्यांग है, उन बच्चों को विशिष्ट शिक्षा ही प्रदान की जा सकती है। उनके लिए अलग से आवासीय विद्यालय होते हैं, अलग से शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं उनको अलग से टीचर्स ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बच्चों आपने देखा विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में अंतर। तो दोबारा देखिए, विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है, जबकि समावेशी शिक्षा एक साथ शिक्षा प्रदान करती है। विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट देखो, ये 19वीं सदी का विचार है, जबकि ये नए व पुराने दोनों प्रकार के विचारों का समन्वित रूप है। फिर ये आता है, पाठ्यक्रम बच्चों के सीखने के अनुरूप पूर्ण होता है। आपको पता है नेत्रहीन बच्चे की अलग कमी होती है, स्वर्ण बाधित बच्चे की अलग कमी होती है, मंद बुद्धि वाला बालक अलग तरीके से सीखता है, तो उनके लिए अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। और परीक्षा हो या न हो जरूरी नहीं है, जबकि समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम एक निश्चित समय में होता है और परीक्षाएं नहीं होती। यहाँ पर परीक्षा आयोजित नहीं होती, जबकि यहाँ पर परीक्षा का आयोजन होता है। यहाँ पर पूर्ण दिव्यांग पूर्ण विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जबकि यहाँ पर आंशिक रूप से विकलांग, अधिगत अक्षमता, भाषाई अक्षमता, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, अपवंचित बालक, इन सबको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों, विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है। अब बच्चों एक और शिक्षा अपने पास रह जाती है, एकीकृत शिक्षा। कौन सी शिक्षा? एकीकृत शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा स्पेशल बच्चों को अलग से शिक्षा प्रदान करती है, समावेशी शिक्षा विशिष्ट बालकों की पहचान कर उनकी विभिन्नता के आधार पर विशेष सुविधाएं प्रदान करके एक ही विद्यालय एक ही कक्षा में अध्ययन करवाना, उनको समावेशित करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये शिक्षा अलग शिक्षा प्रदान करती है, ये एक साथ शिक्षा प्रदान करती है, ये भेदभाव पर आधारित है और ये समानता के सिद्धांत पर क्या करती है बच्चों? कार्य करती है। विशिष्ट शिक्षा 19वीं शताब्दी की देन है, जबकि समावेशी शिक्षा नए व पुराने विचारों का समन्वित रूप है। विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग करती है विशिष्ट शिक्षा, जबकि समावेशी शिक्षा सभी बालकों को समान रखती है। इसके अलावा ये पूर्ण दिव्यांग बालकों को विशिष्ट शिक्षा दी जाती है, इनके लिए अलग से पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, जबकि यहाँ पर पाठ्यक्रम एक निश्चित समय में पूरा किया जाता है। कौन सी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा में। अब बच्चों एक और टॉपिक आता है आपका, एकीकृत शिक्षा। कौन सी शिक्षा? एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या फर्क है, ये इस वीडियो में और देखते हैं कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है और समावेशी शिक्षा क्या होती है। देखो बच्चों, एकीकृत शिक्षा और इधर आता है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है बच्चों? एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इधर आ जाएगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन।
एकीकृत शिक्षा क्या करती है? एकीकृत शिक्षा कहती है कि सामान्य बालक और विशेष बालकों को अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन उनको कुछ ऐसा बीच का समय देना चाहिए ताकि सामान्य बालक विशेष बालक एक साथ लंच करना, सामाजिक गतिवधियों में भाग लेना, वाद विवाद करना, खेलना, कूदना, संगीत, व्यायाम, जो भी आपकी सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें एक करना, ताकि सामान्य बालक एक किसके साथ, विशेष बालक के साथ अपने आप को समायोजित कर सके, विशेष बालक समायोजित सामान्य बालक के साथ अपने आप को समायोजित कर सके। तो इंटीग्रेटेड शिक्षा ये कहती है, जबकि समावेशी शिक्षा ये कहती है एक ही कक्षा एक ही विद्यालय में एक ही तरह के पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली से अध्ययन करना समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव है। एकीकृत शिक्षा नया विचार है बच्चों, नया विचार है। ये 1970 में केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई और एकीकृत शिक्षा हमारे भारत में दी जाने लगी, जबकि ये जो है ये नए वह पुराने विचारों का नए व पुराने विचारों का समन्वित रूप है। क्या? समावेशी शिक्षा। और नए में कैसे है कि 2009 में रमसा के तहत माध्यमिक शिक्षा में समावेशित किया गया निशक्त जनों के लिए। किसके लिए? निशक्त जनों को शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, अब बात आती है यहां जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या साधारण और रेगुलर होती है, जबकि यहां पर पाठ्यचर्या छात्र की विविधता के आधार पर विशिष्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो पहला अंतर आपने क्या देखा? इंटीग्रेटेड एक नया विचार है, जबकि समावेशी शिक्षा नए व पुराने विचारों का समन्वित रूप है। 2009 में रमसा के तहत माध्यमिक शिक्षा में समावेशी शिक्षा को, निशक्त जनों को इसमें शामिल किया गया। पाठ्यचर्या छात्र की विविधता के आधार पर विशिष्ट होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है कम खर्चीली, जबकि ये एकीकृत शिक्षा से ज्यादा महंगी पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर स्पेशल छात्र को सामान्य बालक के साथ समान शिक्षा दी जाती है। सामान्य बालक के साथ समान शिक्षा दी जाती है। स्पेशल छात्र को सामान्य बालक के साथ समान शिक्षा दी जाती है, जबकि यहां पर छात्र की विविधता के आधार पर अलग से शिक्षा दी जा सकती है। अलग से शिक्षण सामग्री की जरूरत नहीं, जबकि अलग से शिक्षण सामग्री की जरूरत पड़ती है। अलग से शिक्षण सामग्री की बच्चों जरूरत पड़ती है।
ठीक है बच्चों। तो ये एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या है बच्चों, अंतर है। ये नया विचार है, ये दोनों का समन्वित रूप है। इसमें पाठ्यचर्या साधारण में रेगुलर होती है, इसमें छात्र की विविधता के आधार पर होती है। कम खर्चीली है, ये ज्यादा महंगी है। स्पेशल छात्र को सामान्य बालक के साथ समान शिक्षा देती है, जबकि ये विविधता के आधार पर अलग से शिक्षा प्रदान करती है। अलग से शिक्षण सामग्री की जरूरत नहीं है और यहाँ पर अलग से शिक्षण सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो आपने देखा विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होते हैं। आप इन पॉइंट्स को बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ा करके कमेंट बॉक्स में लिखे। और आप चाहते हैं कि मैं शिक्षा मनोविज्ञान के सभी टॉपिक्स आपको क्लियर करवाऊं, तो बीएड सेकंड ईयर के बच्चे, रीट के बच्चे और सीटेट के बच्चे मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और शॉर्ट नोट जो मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ इनको कॉपी में नोट डाउन करिए। और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।